रानीगंज क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन की वार्षिक सभा आयोजित की गई। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित वार्षिक सभा का उद्घाटन रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने किया। एसोसिएशन की तरफ से विधायक के समक्ष कुछ मांगे भी रखी गई। विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि बल्लभपुर में जल्द होगा विद्युत सभा गृह का निर्माण। रानीगंज क्लोथ मर्चेंट्स एसोसिएशन की वार्षिक सभा आयोजित की गई। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित वार्षिक सभा का उद्घाटन रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने किया। सर्वप्रथम एसोसिएशन के सदस्यों ने विधायक के साथ ही रानीगंज के ट्रैफिक प्रभारी चित्ततोष मंडल और ओम प्रकाश भुवालका को विशेष रूप से सम्मानित किया। एसोसिएशन की तरफ से विधायक के समक्ष कुछ मांगे भी रखी गयी। विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि बल्लभपुर में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार की तरफ से विद्युत शवदाह गृह की स्वीकृति मिल चुकी है। इसका काम काफी समय से बाकी था। उन्होंने विभागीय मंत्री का ध्यान इसके तरफ आकृष्ट कराया था और लगभग 2 महीने पहले DPR बनाकर भेजा गया था। राज्य सरकार के तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है और अगले 10 दिनों के भीतर टेंडर जारी हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 से 4 महीनों के भीतर विद्युत शवदाह गृह का कार्य शुरू हो जाएगा। इस कार्य में अब कहीं कोई रुकावट नहीं है। 25 बार एक मीटर का तब DPR कनेक्शन करते हैं 25 बार से प्रत्येक बार इंजीनियर का हम तो आने का फर्स्ट टाइम चले गए थे। अभी भाई 2 मास आगे मारियो मोदी और मारियो हमारे यूनिसेफ के बोल रहे थे हमारे देवा चेक को दिन धरे आप कत बार आज तो बोला चाहे देवा चाहे देखिए हमें बोला इनकी क्या चीज हम ये बोलना আমি বলতাম উনিও বলে দিচ্ছি তো আপনারা শুনে খুশি হবে তার মান্যতা আজ থেকে 15 দিন আগে এসে দিয়েছিল যেখানে ইলেকট্রিকের মধ্যে ছাড়পত্র ইউনিটিও তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রমাণ ফাইন্যান্সিয়াল প্রমাণ কিন্তু আমরা 12% GST কিন্তু আমার GST 18% হয়ে গেল আমরা আরেকটা গেল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা বললাম এটা 18% GST করে আপনারা পাঠান ঈশ্বরকে অসীম ধন্যবাদ অসীম কৃপা যে ওইটাও স্যাংশন হয়ে চলে এসছে আমরা 7-10 দিনের মধ্যে এই টেন্ডার ক্লোজ করে দেবো সব কিছু ঠিকঠাক হয় আগামী 3-4 মাসের মধ্যে এর কাজ কিন্তু শুরু হয়ে যাবে ইলেকট্রিক্যাল ক্রেমেটোরিয়াম এটা কিন্তু বল্লভপুর শ্মশান ঘাটে রানীগঞ্জবাসীর জন্য এটা কিন্তু হবে আর কোনো কোথাও কোনো রুকাবট নেই যেটুকু কাজের বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রসেস সেই প্রসেসটা আমরা এর মধ্যে যাবো আর কি इस अवसर पर रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तारकेश्वर कर सचिव संजय खैतान सलील सिन्हा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। कैमरा पर्सन विप्लव बादेकर के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी खुश परिवार हरदम ताजा टेस्ट आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा रोटी चपाती पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি এগ্রো ফ্রেশ আটা।